हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है आपके हाल चाल? तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। आज हम करेंगे एक कक्षा 12 मैथ्स का एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे। कोस इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। कोस इनवर्स एक्स का क्या करना है, अपने को अवकलन ज्ञात करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको रख देंगे वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स, रख दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है अपने को, इस कोस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा कोस वाई, कोस वाई आ गया। अब अपन क्या करेंगे, जो ये आया समीकरण नंबर एक, इस समीकरण का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहां से डी एक्स वाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स क्रॉस वाई, इसका अवकलन करेंगे। तो यहां से तो जाएगा कट के एक बराबर, यहां से जाएगा कॉस वाई का अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स बाई डी एक्स, यह होता है कोस एक्स का अवकलन। तो यहां से कोस वाई का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स, यह हो जाएगा किसका अवकलन, कोस वाई का अवकलन। अब अपन क्या करेंगे, इस जहां जो साइन वाई है इसको क्या करेंगे, इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां से मल्टीप्लाई के अंदर है तो इधर जाते क्या हो जाएगा, भाग के अंदर हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस वन अपॉन साइन वाई। अब आपको पता होगा साइन स्क्वायर एक्स, इधर के साइन साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, वन होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहां से अपने क्या करना है, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ प्लस में है तो इधर होते हैं माइनस में हो जाएगी। तो साइन बराबर क्या आ जाएगा, साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से अपन रखेंगे वाई के स्थान पर क्या रख देंगे, कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि अपन ने शुरू में क्या माना था, वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स। तो अपन रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वन अपॉन साइन कोस इनवर्स एक्स, अब ये रख दिया। अब अंदर क्या है, साइन एक्स बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, रूट वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहां से अपन इधर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स है। अब एक्स के स्थान में क्या है, यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स है। तो यहां से कोस कोस इनवर्स एक्स इसका क्या है, स्क्वायर है। अब आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा आपने कि कोस इनवर्स कोस ए बराबर क्या होता है, ए होता है, या आपने ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो यहां से अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस, यहां से कोस इनवर्स एक्स से क्या बाहर आएगा, एक्स बाहर आएगा, एक्स अभी इसका क्या है, वर्ग है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या आएगा, माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।